गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब भी मैं दादा कारखाना में देखता हूँ, उतना काम नहीं, फिर भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ है। तेल नहीं है, कुछ भी नहीं, पेट्रोल डाल लेता हूँ, पहले जाते हैं। ये इसका कांटा ही नहीं उठ रहा, पूरा बारिश से रास्ता ख़राब हो गया। ये तो अभी स्टार्टिंग का ही बारिश है, ये पूरा सीजन बाकी है। जो जो लोकल बंदे रहेंगे वही निकालेंगे। ये देखो इसमें भी गड्ढा नहीं है, जहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल जाएंगे इसमें से। ये देखो ज़्यादा गड्ढा नहीं है। वो देखो उधर जो जो इधर से रोज जाता है, जो लोकल बंदा है उसको कुछ से उसको मालूम रहता है। इसमें भी गड्ढा नहीं है, गड्ढा है लेकिन उतना गड्ढा नहीं है। रात में अच्छा खासा बारिश हुआ है। अरे फिर से मेरा बंद, ये मतलब बार बार बंद हो जा रहा है। इधर तो ओवरफ्लो हो जा रहा है पूरा, ये पूरा रास्ता ख़राब हो गया पानी से। ये सीजन में लगता है पूरा रास्ता ख़राब हो जाएगा। अंदर काम चालू है, मतलब उतना काम नहीं है, बारिश में अपना काम पूरा डाउन हो जाता है, मतलब रहता ही नहीं है। इधर पूरा पानी भर गया, ये अभी पूरा बारिश से सही रहेंगे तो पूरा पानी भर जाएंगे इसमें, पूरा बारिश में इधर पूरा पानी भर जाएगा। बस एक सोफा बनेगा उसका, छुट्टी, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। कोई कहाँ गया सर? कोई नहीं आया? अच्छा है क्या? कोई दिख रहा है कि दिख रहा है? कैन में पानी भी ख़त्म हो गया है। ठंडा पानी लाओ या सादा पानी? ठंडा पानी सादा पानी लाओ, ठंडा ला दूँ। ठीक है, ये सब मौसम में तो ठंडा पानी पियेंगे। ये अभी बादल होगा, पूरा बारिश वाला मौसम है, ठंडा पानी मत पी, तबीयत खराब हो जाएगा। ये देख पूरा मौसम कैसा होया हुआ है, ठंडा मौसम है फिर भी सब ठंडा पानी पियेगा, सबका सर्दी होगा। ये सिस्टम सही है, 10 कॉइन डालो और मशीन अपने आप सेट कर लेती है और पानी आ जाता है। इसमें 10 का भी जाता है और 5 रुपये कॉइन, 20 रुपये कॉइन, सभी कॉइन चलता है, मतलब कि 5, 10, 20। 10 रुपये में सही रहता है वो मशीन, एक नंबर है। बस 10 का कॉइन डालो और एक कैन पानी ले जाओ, बस ये आस पास में रहता सही रहता है। डायरेक्ट मैं लाते हुए दिखा रहा हूँ, क्या रास्ता दिखाना, रास्ता सब सेम ही रहता है। ठंडा पानी पियेंगे बताओ ऐसा मौसम में ये तो। तो वैसे अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ काम ही नहीं था मेरा, तो उसका कॉल आया जिसका एक्टिवा नहीं लगा हुआ, वो बोले कारखाने पे, तो वो आ गया। उसके भाई आए जिसका एक्टिवा है वो नहीं आया, तब भी जाता हूँ तो उसे कारखाना पर उनका एक्टिवा निकाल के देना पड़ेगा। के अंदर रखा हुआ एक्टिवा देखने, ये देखो ये उनका एक्टिवा, लेकिन जिसका है उसके घर वाले आ गए, देखता हूँ। लेकिन अकेले निकलेंगे यहाँ से, देखता हूँ कोशिश करके निकाल के। कल का ब्लॉग मैंने डाला था, स्क्रू साला स्क्रू कैसे घुसाते, इधर ही स्क्रू होगा तभी तो, क्योंकि बाहर तो स्क्रू मिलेगा ही नहीं, अपने कारखाने वाला ही स्क्रू था। अरे पहले इसको निकालता हूँ मैं, ये जिसकी गाड़ी है ना उसकी शादी थी, इसलिए हम लोग सब शादी में गए थे, उसके शादी में। अब वो आ गया, उसके शादी दिल्ली में थी। तो ये मेरी वाली चला,
अरे एक सेल्फ में ही चालू हो गया, मेरा तो एक सेल्फ चालू नहीं होता। सीधा ही सीधा चलना, सीधा सीधा एकदम वहां पे जहां से उठाया था। तेरे स्टैंड नहीं लग रहा इसका। हाँ लग गया लग गया। हेलो आई नया, चलो आपकी अमानत। तो गाइस अभी घर पे आया था, ये मशीन जो है ड्रिल मशीन घर पे ही था रखा हुआ, और मुझे उधर से जाना है, अब भी उधर ही जाया हूँ मैंने गाड़ी छोड़ के। अब भी मैं इधर से गया था इनका एक्टिवा छोड़ के। अच्छा वो मैं घर पे ही था, डबल डबल मेहनत नहीं लगा। कारखाना में जाता हूँ आता तो बहुत भारी पड़ता। वो तो सुलेसन सुलेसन हाँ और नहीं बस सुलेसन। चश्मा कब से लगाने स्टार्ट किए? वही लगवाएगा। अभी यार क्या एक्सीडेंट हुआ, मैं जो रास्ता से आता ना वहाँ पे छोटा जैसा पुल है, बीच में एक खंभा गड़ा हुआ है, तो एक खंभा वो होंडा शाइन थे और दो लेडीज़ बैठा था, एक लड़का चला रहा था, एक छोटी जैसी लड़की बैठी हुई थी उसके, उसने खंभा में टकराया, उसका हैंडल साइड टकराया, वो गिरा बहुत भयंकर एकदम। और मेरे पास ये मोबाइल था, अगर गोप्रो रहा था तो कैमरा चालू कर लेता, लेकिन एक हाथ से ब्लॉग बनाता एक हाथ से वो उठाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी मैं ब्लॉग बनाया था पक्का वो ब्लॉग वायरल हो जाता है, गिरते हुए एकदम, मतलब कि लाइव गिरते हुए देखा मैंने कैसे गिरा, वो खंभा से टकराया और वैसे तो फेंकाया एकदम पुल पे। ये देखो गाइस बस आज एक ही सेट बना, ये एक सेट बना, काम ही नहीं हो रहा मार्केट में, पूरा सब ऐसे ही बैठा हुआ है। इधर ये भी इधर सोया हुआ है, उधर एक सोया हुआ है, इधर एक सोया है, एक उधर सोया है, वो बोले सोफे में सोया है, वो जो अंदर है उधर सोया है, एक उधर सोया हुआ है, सोफा बन गया। तो कैसे अभी ये वाला सोफा बनने जा रहा है, इसके लिए फोम लाने जा रहे हैं सीट का और बैक का। सिर्फ ये वाला ही मुझे फोम चाहिए और बाकी का सब फोम है, हैंडल का है, बैक का है, बस सीट का चाहिए था। ये ले लेता हूँ, सिर्फ दो सीट चाहिए। इसलिए तुम्हारे को नहीं दिखाता हूँ। हाँ 80 mm का दो। काम ही नहीं चल रहा कि फोम लेके जाऊँ, जो लेके गया था उस दिन लोकल का तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट में काटना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, काटना पड़ता है, बोलता सबका अलग अलग चॉइसेस रहता है, किसी ने ज़्यादा पैसा दिया तो ज़्यादा अच्छा है, किसी ने कम पैसा दिया तो कम अच्छा, और ये मीडिया में नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा से भी अच्छा। तो अभी एक गाड़ी आई थी सोफ़ा लोड करने के लिए, इधर से एक सेट सोफ़ा लोड कर दिया हूँ, उधर से भी एक कॉर्नर सोफ़ा लोड करना है वो वाले कारखाना से, तो जाता हूँ वो वाले कारखाना पे और लोड करता हूँ। गाड़ी आ गई, क्या टाइमिंग पे गाड़ी आया। तो इधर से ये वाला सोफ़ा जाने वाला है, जिस पैक वैक करके पहले से हम लोग रख दिए थे, गाड़ी भी आ गया, लोड करता हूँ। यहाँ से भी हम लोग ने कॉर्नर सोफा लोड कर दिए, वो तो वो वाला लाया था उधर से लोड करके, एक गया, लाइट बंद कर देता हूँ। अब कारखाना पे नहीं जाना है, तो इस ब्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे एंड। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं दूसरे नए ब्लॉग में।